जब हम लोग बीटा निकालते हैं तो स्टॉक ए के पहले टोटल करने हैं रिटर्न्स डिवाइडेड बाय 4, 4 इयर्स का डेटा है। उसके बाद रिटर्न ऑफ मार्केट इंडेक्स, उसको भी टोटल करके डिवाइडेड बाय 4, तो ये एवरेज रिटर्न आ जाता है। उसके बाद आर ए माइनस ई ऑफ आर, दैट इज एवरेज रिटर्न। जब हम एवरेज रिटर्न 13.5 को सारे स्टॉक के रिटर्न से कंपेयर करते हैं तो ये डेविएशन आता है। कुछ डेविएशन नेगेटिव में आता है, वो ध्यान से हमें नेगेटिव साइन देना है। उसके बाद आर एम माइनस ई ऑफ आर एम, मार्केट के रिटर्न जो है उसमें कितना डेविएशन है एवरेज रिटर्न से, जो ऑब्जर्व रिटर्न है उसको एवरेज रिटर्न से डेविएट करके माइनस में अगर आंसर आता है तो ध्यान से माइनस साइन लिखनी है, क्योंकि कोवेरियंस में अगर एक भी माइनस साइन मिस हो गई तो आपका आंसर गलत हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट इसके अंदर इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा कॉलम सिक्स्थ। कॉलम जो है वो फोर्थ और फिफ्थ कॉलम को मल्टीप्लाई करके है, और जो आर एम माइनस ई ऑफ आर एम है इसका ही स्क्वायर लास्ट कॉलम में करना है। और लास्ट टू कॉलम्स, ये न्यूमरेटर का कॉलम है, इसका समेशन करना है। समेशन मीन्स एग्रीगेट ऑफ द फुल कॉलम 733, और क्योंकि ये 4 इयर्स का डेटा है तो 4 इयर्स से डिवाइड करेंगे। उसके बाद इसका भी हमने 4 इयर्स का डेटा है तो डिवाइडेड बाय 4 किया और 148.25 आया। अब बीटा का जो फॉर्मूला है, न्यूमरेटर में कोवेरियंस और नीचे वेरियंस ऑफ मार्केट। वन एटी थ्री पॉइंट टू फाइव अपॉन 148.25। वन पॉइंट टू थ्री, आंसर इज 1.23। ये आपका बीटा है। ठीक है, 183.25 डिवाइडेड बाय 148.25, 1.23। अगर बीटा 1.23 आ रहा है, दैट मींस बीटा इज एग्रेसिव। वन से ज्यादा होगा अगर बीटा, एग्रेसिव बीटा है। बीटा मोर देन वन इज एग्रेसिव बीटा, दैट मीन्स द स्टॉक ए इज बाउंसिंग मोर देन द स्टॉक, मोर देन द मार्केट। जब मार्केट में कुछ चेंजेस आएंगे तो आपका जो स्टॉक के मूवमेंट्स होंगे वो 1.23 टाइम्स होंगे कंपेयर टू द सेंसेक्स एंड निफ्टी। ओके, इस तरह से आप किसी भी स्टॉक का बाउंसिंग यानी अप एंड डाउन कितने टाइम्स ज्यादा होगा या इससे कम होगा, अगर 0 पॉइंट समथिंग आंसर आता तो बीटा इज लेस एग्रेसिव, कंजर्वेटिव बीटा होगा, दैट मीन्स इट इज नॉट बीटिंग द मार्केट। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज लेक्चर, आई होप इट इज क्लियर।